नर्मदापुरम से खबर है, शराब कारोबारी के घर पर बुलडोजर चला है। जिला मुख्यालय पर प्रशासन की पहली कार्रवाई हुई। कारोबारी नीतीश कुचमबंदिया पर मारपीट सहित अवैध शराब के 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। जी हां, कारोबारी जो है उसके ऊपर कई अवैध मामले दर्ज हैं, शराब के मामले दर्ज हैं। और आपको ये भी बता दें कि SBM वंदना जाट, तहसीलदार शैलेंद्र बडोनिया, SDOP मंजू चौहान से भारी मात्रा में पुलिस इनके साथ पहुँची हुई है। और ईदगाह कचरा पट्टी में ये पहली बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का बुलडोजर चला है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम की ये पूरी घटना चल रही है, जहां प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। अतुल तिवारी हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर बात की जाए तो प्रशासन की ये सख्त कार्रवाई जारी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? आज सुबह से प्रशासन ने लगातार शराब माफियों की एक सूची बनाई है और उन सूची के माध्यम से जो जो शहर के बड़े शराब माफिया उनके अवैध निर्माण यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। आज होशंगाबाद में ईदगाह जो कचरा पट्टी है वहाँ पर नीतीश कुचमंदिया नामक शराब माफिया के घर को जमींदोज किया गया JCB के द्वारा। जी अतुल, साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि जिसके घर में ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ कई मामले पहले से ही दर्ज हैं, और प्रशासन कार्रवाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रशासन उन लोगों को चुन रहा है जो कि गलत काम करते हैं या जो अपराधी किस्म के लोग हैं। लगातार प्रशासन ने इसके खिलाफ मामले दर्ज करे, लगातार 2 दर्जन मामले नीतीश कुचमंदिया के खिलाफ कोतवाली थाने और देहात थानों में दर्ज थे और प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा था, परंतु उसके बाद भी ये शराब माफिया अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा था। इसके कारण प्रशासन ने अब बड़ी मुहिम करते हुए शहर के शराब माफियाओं को सूचीबद्ध करते हुए आज नीतीश कुचमंदिया से शुरुआत करी है और लगातार 25 आरोपियों की एक सूची बनाई है जिसमें अलग अलग जगह निर्माण कार्य तोड़ने जाने हैं। शुक्रिया अतुल तिवारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नर्मदापुरम से ये खबर दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर यहां भी हावी है।